Hey, good morning guys, welcome to the day 2 of Nature Blazed Bhandardhara trip. अभी बज रहे हैं 7 और हमें अभी निकलना है. आज भी हम कई सारे स्पॉट्स कैप्चर करेंगे. कल हमने देखा था भंडारदरा, विल्सम डैम और रांधा वाटरफॉल. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में ऊपर लिंक आ रही होगी, वहाँ से देख सकते हैं. और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो प्लीज़ बी विथ मी, एंजॉय कीजिए आज का दिन. दूर से ही हमें राइट साइड में डैम्स की दीवारें दिख रही है. पता नहीं शायद कैमरा ये जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं. तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बाहुली डैम. देखिए बाहुली डैम का नज़ारा, ये देखिए ये बाहुली डैम है. बाहुली डैम का निर्माण भाम नदी पर इगतपुरी नासिक डिस्ट्रिक्ट में आज़ादी के बाद के समय में किया गया था. और इस डैम के निर्माण का मुख्य कारण सिंचाई के लिए पानी को स्टोर करना, बिजली पैदा करना, पीने के पानी की आपूर्ति करना और बाढ़ को नियंत्रित करना था. ये देखिए बहुत प्यारा सा वाटरफॉल, बाहुली वाटरफॉल. यह वाटरफॉल ठीक बाहुली डैम रिजर्वायर के सामने है और यह भी एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है डैम के लिए. तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं पानी में. आप देखिए गुजारिश है आपसे, अगर आप ऐसी जगह आ रहे हैं कितना गंदा किया है लोगों ने, वहीं पर बॉटल्स डाल दिए, वहीं पर कचरा डाल दिया. प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कोई कचरा डस्टबिन नहीं है. बहुत दुख होता है गाइस ऐसा देखकर. प्लीज़ आप अपना बॉटल, अपना चीज़ें प्लीज़ कैरी करके लेके जाइए. देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, पहले रिजर्वायर और फिर वाटरफॉल. और ये वाटरफॉल 4 स्टेप में नीचे गिर रहा है. आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल कितना सुंदर दिख रहा है. इस वाटरफॉल की सुंदरता कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है. आप देख सकते हैं कैसे लोग ऊपर के लेवल पे भी पहुंच गए हैं. लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सावधानी बरतें. बाहुली वाटरफॉल से मुश्किल से कुछ आधा किलोमीटर आगे आने पर भंडारदरा रोड पर आपको एक और कुदरत का नायाब सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा. यह वाटरफॉल भी 3 स्टेप में नीचे उतरता है और यह भी पानी का अच्छा सोर्स है डैम के लिए. बाहुली डैम से भंडारदरा का डिस्टेंस 43 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं कि इंटरनल रोड्स की कंडीशन कितनी अच्छी है. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंटरनल रोड्स इतने अच्छे भी हो सकते हैं. सो 3 चेयर्स फॉर लोकल अथॉरिटीज गाइस. देखिए सह्याद्री बाहुली डैम से हम भंडारदरा रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे सुंदर सा नज़ारा, पूरा जंगल का एरिया है और बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है. अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये करसुभाई पीक है. मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि करसुभाई पीक मोस्ट ऑफ द टाइम बादलों के बीच में ही था, लेकिन फाइनली मुझे इसके दर्शन हुए. यह सबसे ऊंची चोटी है और इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी बोला जाता है. वन विभाग का एरिया है करसुभाई हरिश्चंद्रगढ़ आराम. ये वन विभाग का पॉइंट है यहाँ पर. यहाँ आपको टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन 30 रुपीज़ और गाड़ी का 100 रुपये. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सिर्फ पावती मिलती है. करसुभाई पीक से हरिश्चंद्रगढ़ तक फैला हुआ नैसर्गिक करसुभाई हरिश्चंद्रगढ़ अभयारण्य है. यहाँ 15 से ज़्यादा पॉइंट है जो कि 50 किलोमीटर का राउंड है और यह भंडारदरा डैम के राइट से स्टार्ट होकर डैम के लेफ्ट में एग्जिट होता है. सो गाइस अभी हम आ गए हैं मुर्शिद. यहाँ पे टेबल टॉप पॉइंट बोलते हैं इसको. और आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो दिखता है ये विल्सन डैम है. ये पूरा डैम का आपको वॉल दिख रही है, डैम का वॉल जो हमने कल देखा था. ये उसका बैक साइड है, ये उसकी वॉल है विल्सन डैम का पूरा.
और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पीछे दिख रहा है आपको, वो पीछे उसको बोलते हैं करसुभाई शिखर, ये देख वो बादल में अभी छुप गए। यह चट्टान वेस्ट की तरफ है और यह कोकण की तरफ देखती है, इसीलिए इसे कोकण कड़ा कहते हैं। सानंद दरी एशियन सब कॉन्टिनेंट में दूसरे नंबर पर आती है। यहां से रतनगढ़ के लिए रास्ता जाता है और ट्रैकिंग भी शायद यहीं से शुरू होती है, और इसी के पास हमें दिखा अमृतेश्वर वाटरफॉल। अभी हम अमृतेश्वर गांव पहुंच गए हैं और यह गांव अमृतेश्वर टेंपल के लिए प्रसिद्ध है जो कि 1200 सेंचुरी में बनाया गया था। अमृतेश्वर मंदिर से थोड़ा आगे आने पर हमें नेकलेस वाटरफॉल दिखा और इसके नाम के स्वरूप ही यह दिखता भी है, लेकिन 4-5 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण यह थोड़ा फीका पड़ गया, जिसका हमें खेद है। रोड पर इतनी सारी पार्क गाड़ियों की लंबी कतारें और दुकानों की लाइन यह बता रही थी कि हम किसी फेमस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इसका नाम है नाने फॉल्स। ये देखिए नाने वाटरफॉल आ चुके हैं हम, ये सब चढ़ाई चल रहे हैं, बहुत सुंदर वाटरफॉल है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होना होगा, बहुत रश है आज संडे होने के कारण। ये देखिए नाने वाटरफॉल, अच्छा बनाया इन्होंने, डेवलप अच्छा किया है। इस ब्रिज से फॉल्स को नजदीक से देखा जा सकता है और आप यहाँ मन चाहे फोटोज और सेल्फीज खींच सकते हैं। हम ब्रिज को क्रॉस करके फॉल्स के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। गिरते हुए पानी के पीछे से सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आप फॉल्स के पीछे भी जा सके और वहां से भी सामने का नज़ारा देख सके, तो यह एक अच्छा अनुभव था। फाइनली हम पहुंच गए वसुंधरा वाटरफॉल, जो कि इस एरिया का मेन अट्रैक्शन में से एक है। वसुंधरा फॉल तक पहुंचने के लिए 650 मीटर्स तक अंदर चलना पड़ेगा। कुछ 50 से 100 मीटर वॉक करने के बाद आपको सामने कोलथेम्बे वाटरफॉल दिखेगा, जो कि यहां के कोलथेम्बे विलेज के नाम पर जाना जाता है। दूर से देखने पर यह वाटरफॉल ऐसा लगता है मानो नेचर ने अपने दोनों हथेलियां जोड़कर उसमें से पानी छोड़ रही है, जैसे कि पूजा के समय हम अपनी हथेलियां जोड़कर जल चढ़ाते हैं।
लोकल अथॉरिटीज ने टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा वॉकवे तैयार किया है जो कि फॉल्स तक पहुंचना काफ़ी आसान कर देता है। यह फॉल बहुत सुंदर है, पानी भी क्लियर है और इसमें खेल भी सकते हैं। बट पानी में जाते समय बस एक बात का ध्यान रखें, बीच में जो बड़ा पत्थर है उसके हाफ से आगे ना जाए या पत्थर पर चढ़कर पानी में छलांग ना लगाए। यह आपकी सुरक्षा के लिए है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत गहरा है। एंजॉय द व्यू ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए यह वीडियो शेयर कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और ट्रैवल डेस्टिनेशंस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।